गृह मंत्रालय में हुआ अमित शाह का प्रवेश, शाह ने संभाला गृह मंत्री का पदभार, कहा देश की सुरक्षा मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता, कुछ ही देर में गृह राज्य मंत्री के साथ करेंगे बैठक। राजनाथ सिंह ने संभाला रक्षा मंत्रालय का कार्यभार, कहा देश की तरफ आंख उठाने वालों को नहीं छोड़ेंगे, दुश्मनों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री पद का संभाला कार्यभार, कहा किसानों के विकास के लिए नई नीतियां लाएंगे। कांग्रेस की संसदीय दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी, यूपी अध्यक्ष ने जीत के लिए जनता का किया शुक्रिया, कहा हमारा साथ देने वाली जनता का धन्यवाद। सोनिया गांधी ने की राहुल गांधी की तारीफ, तीन पन्नों के पत्र में लिखा राहुल ने मुश्किल परिस्थितियों में निडर होकर कमान संभाली। संसदीय दल की बैठक में मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कहा हम बिना भेदभाव देश के हर नागरिक के लिए लड़ रहे हैं, हमारे 52 सांसद इंच इंच का बदला लेकर रहेंगे। गिरती विकास दर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने चला मुस्लिम कार्ड, बोले 300 सीट जीतकर हिंदुस्तान पर मनमानी नहीं कर सकते प्रधानमंत्री मोदी, देश पर हमारा भी हक है। बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस का निशाना, प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले देश में जीडीपी दर 5 साल में सबसे कम। विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद एस जयशंकर ने किया ट्वीट, लिखा सुषमा स्वराज जी के रास्ते पर चलना गर्व की बात, उन्हीं की तरह काम करूंगा। मंत्रालयों के बंटवारे के बाद एनडीए में दरार, नीतीश कुमार के बाद शिवसेना ने भी उठाई आवाज, एक ही मंत्रालय मिलने के खिलाफ दिल्ली तक पहुंचाई नाराजगी। एनडीए में पड़ी फूट पर विपक्ष ने ली चुटकी, जीतन राम मांझी बोले दूल्हे के फूफा की तरह रूठे बैठे हैं नीतीश कुमार। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की डिग्री पर उठे सवाल, निशंक की यूनिवर्सिटी श्रीलंका में नहीं है पंजीकृत, आरटीआई से हुआ खुलासा। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा बवाल, जय श्री राम के नारे को लेकर बीजेपी टीएमसी में बवाल, झड़प में 3 कार्यकर्ता घायल। कांग्रेस और एनसीपी में विलय की कवायद तेज, एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात, हार पर भी होगी चर्चा। प्रचंड गर्मी ने जनता को किया बेहाल, उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा 45 के पार, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, श्रीगंगानगर में पारा 50 के करीब। नरेंद्र मोदी सरकार को अमेरिका ने दिया झटका, खत्म होगी अमेरिका से व्यापार में मिली छूट, जीएसपी दर्जे को खत्म करने के फैसले से पीछे नहीं हटेगा अमेरिका। इस्लामी सहयोग संगठन ने अमेरिका द्वारा अपना दूतावास यरूशलम ले जाने की निंदा की, सभी सदस्यों से उन देशों का बहिष्कार करने का किया अनुरोध जिन्होंने यरूशलम में खोले हैं अपने राजनयिक मिशन। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने की वर्ल्ड कप को लेकर भविष्यवाणी, कहा इंग्लैंड भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल में पहुंचना तय। ब्लू मोनोकनी में एंजॉय करती दिखी मलाइका अरोड़ा, बोल्ड अंदाज में आई नजर, मलाइका की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। मौनी रॉय ने छोड़ी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म बोले चूड़ियां, प्रोड्यूसर और मौनी ने एक दूसरे पर लगाए थे छेड़छाड़ के इल्जाम, फिल्म में नई हीरोइन की तलाश।